हेलो दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं कि बीकॉम के बाद एमकॉम करने का क्या फ़ायदा होता है। क्या मुझे बीकॉम के बाद एमकॉम करनी चाहिए? काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या बीकॉम के बाद आपको एमकॉम करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एमकॉम वही लोग करें जिसका कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन में जाने का इंटरेस्ट है। कभी भी वो लोग एमकॉम बिल्कुल ना करें जिसका कोई जॉब करना चाहते हैं वो आगे जाके, या फिर आगे जाके वो कोई बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा एमकॉम करने का। एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स उन लोगों को करनी चाहिए जो कि आगे कहीं ना कहीं उनका टीचिंग लाइन में जाने का इंटरेस्ट है, या फिर जो पेपर आता है आपका यूजीसी नेट, या यूजीसी नेट पेपर आता है वो स्पेशली उनके लिए होता है, या तो जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज पर में, या फिर वो पीएचडी करना चाहते हैं आगे, उनके लिए बढ़िया होता है। या फिर एमकॉम के बाद सीधा, क्योंकि स्कूल में आपको अगर पीजीटी टीचर बनना होता है, आपको 11th 12th को पढ़ाना होता है, तो आपको वहाँ पर एमकॉम मानते हैं, तो उनके लिए एमकॉम ज़रूरी है। फिर तो वहाँ पर आपको एमकॉम ज़रूरी चाहिए होती है। फिलहाल आपको अगर एमकॉम के बाद अच्छी जॉब चाहिए वो बहुत मुश्किल होता है, अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत अच्छे कॉलेज से अगर एमकॉम कर रखी है। तो इसीलिए एमकॉम मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो कि स्पेशली टीचिंग में जाना चाहते हैं। एमकॉम बहुत सारी एक ऐसी ऐसी कहते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारी स्कूल्स कॉलेजेस कहते हैं कि एमकॉम यहाँ से करो तो बहुत अच्छा पैकेज लग रहा है। बिल्कुल लगता होगा, एक अपग्रेड कंपनी है वो भी आपको एमकॉम कराती है, और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा पैकेज आपको लगेगा एमकॉम का। बट सच्चाई ये है कि एमकॉम के बाद बहुत अच्छा पैकेज नहीं लगता है। एक आधा का पैकेज लग गया, वो भी बहुत अच्छे कॉलेज से अगर आपने एमकॉम करी है, तब चांसेस है कि आपका पैकेज लग सकता है। लेकिन इतनी फीस अगर आप अफोर्ड कर ही सकते हो तो एमकॉम क्यों कर रहे हो? फिर आपको एमबीए करनी चाहिए ना सीधा। अगर आप 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आपको एमबीए करनी चाहिए, ना कि एमकॉम करनी चाहिए। अगर आपको जॉब ही करनी है तो एमबीए के बाद आपको अच्छी जॉब मिलेगी ना, फिर आपको एमकॉम क्यों कर रहे हो? फिर आप एमकॉम के बाद अगर आपको फील्ड में, जैसे कि आपको फाइनेंस फील्ड में जॉब चाहिए क्योंकि आपके मास्टर ऑफ कॉमर्स कर लिया है, आपने कोई स्पेशलाइजेशन करी होगी स्पेशलाइजेशन से फाइनेंस में अकाउंटिंग में, तो वो तो आपको एमबीए में फाइनेंस मिलते हैं, एमबीए में मार्केटिंग मिलती है, तो फिर आपको एमबीए करनी चाहिए ना, अगर आपको बहुत अच्छा खासा आप भी सपोर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छी जॉब करनी है तो फिर आप एमबीए करो, ना कि एमकॉम। आपको एमकॉम करनी है तो उसका स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन में जाने का इंटरेस्ट है, या प्रोफेसर बनना है मुझे, या फिर पीएचडी करनी है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे जाना है इन्हीं लाइन में टीचिंग के रिलेटेड, तब आपको एमकॉम करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर एमकॉम करने का भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए एमकॉम मन करने का अगर आप मन बना रहे हो तो आपको एमकॉम तभी करनी चाहिए अगर आपका टीचिंग लाइन में जाने का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। अगर आपको जॉब चाहिए सीधा, तो ऐसा ना सोचना कि एमकॉम के पास सीधा डायरेक्ट जॉब लग जाएगी और बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, और वहाँ बहुत अच्छे कॉलेज से करोगे तो बहुत अच्छी फीस भी होगी, तो इससे बढ़िया है मेरे हिसाब से फिर आपको एमबीए करनी चाहिए अगर आप बहुत अच्छी फीस अफोर्ड कर सकते हो। तो यही था मेरे लिए और आपको बताने का कि एमकॉम किस लिए करनी चाहिए। और अगर आप और वीडियोस चाहती है इससे रिलेटेड कि बीकॉम के बाद और क्या क्या करना चाहिए उसे प्रैक्टिकली समझे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।